कसी आहे पब्लिक, सबसे पहले मुस्कुराइए जनाब, क्योंकि आप हैं लखनऊ में। आज की डेट ऑफ जर्नी आप मान लीजिए, दिस इज़ 1 अप्रैल, सुबह के बज रहे हैं 7। और आपको बता दूं, मैं अभी दिल्ली से फ़्लाइट लेकर आया हूं लखनऊ, एयर इंडिया एक्सप्रेस की। अगर आप देखोगे, मैंने लैंड किया है T2 पर, और आपको पता ही होगा लखनऊ का T3, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल नया टर्मिनल बनाया गया है, और एकदम लग्जरियस, एकदम सुपर प्रीमियम आप मान लीजिए, विद द बेस्ट एमिनिटीज़। कल ही 31 मार्च को उस T3 की शुरुआत हो चुकी है विद अकासा एयरलाइंस। अब मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके सामने बिल्कुल एक्सक्लूसिव व्लॉग आए। तो आपको बता दूं, आप देख लीजिएगा, T2 पर मैंने लैंड किया है, और अब मैं यहां से वॉक करके जा रहा हूं T3, बिकॉज अभी शुरुआत हुई है। तो फिलहाल यहां से कोई भी शटल वगैरह नहीं है, हार्डली 5 मिनट की वॉक है। और अगर आप वो देखोगे, अगर आप अपनी गाड़ी से आओगे ना, तो जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ये वाला ब्रिज, ये ब्रिज आपको ले जाता है वहां पर सीधा T3 पर। ठीक है, पूरा इंटीरियर दिखाएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सरकार ने कितना पैसा खर्च किया T3 पर, सब कुछ आपको बताया जाएगा। शुरू करें। देखो यार, आपको स्टाइल पता था, कमॉन, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और लाइफ में अपग्रेड बहुत ज़रूरी है। T2 जो करंटली ज़्यादा, मैं कहूँगा ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकता, बट येस, T3 को इसलिए डिज़ाइन किया गया है। तो मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। इस वाले व्लॉग को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, बिकॉज कोशिश यही है कि आपके सामने एक्सक्लूसिव कंटेंट आता रहे। भाई देखो, आप सोचो, मैं लखनऊ एयरपोर्ट फ्लाइट मैंने अप एंड डाउन की है सिर्फ इसलिए ताकि आपको मैं टर्मिनल का एक पूरा इंटीरियर दिखा पाऊँ। यही है व्लॉगर्स लाइफ। लखनऊ से कौन कौन ये व्लॉग देख रहा है ज़रा बताइएगा। ये पूरा आप T2 देख सकते हो इस तरफ। चलिए अब आपको वहाँ चलते हैं, T3 आपको पहले दिखाते हैं। यहाँ आप देख लीजिएगा, मैं कहूँगा हार्डली 5 मिनट की वॉक करके मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आप देख लीजिए T3, ये मैं आपको डिपार्चर दिखा रहा हूँ। एक फ्लोर नीचे अगर आप देखोगे तो वो है अराइवल। यहाँ पर आप देख लीजिए, एकदम चमचमाती रोड आप देख लो, चमचमाता एयरपोर्ट आप देख लो, मेट्रो की कनेक्टिविटी है। आप इधर से जाओगे ना इस साइड, तो आपको हार्डली 5 कदम पर ही आपको मेट्रो भी मिल जाएगी। आप बोर्ड वगैरह देख सकते हो। कल जो अकासा की फ़्लाइट गई, बेंगलोर के लिए गई, मुंबई के लिए गई, जो न्यूज़ में आया, करीब मानिए 1200 लोगों ने T3 को कल यूज़ किया। धीरे धीरे अब जितना भी T2 का ऑपरेशन है, सब T3 पर शिफ्ट किया जाएगा। पूरा देखिएगा, सरकार ने, आपको बता दूँ, इस एयरपोर्ट को बनाने में कितना खर्चा किया, अराउंड जो फेज़ 1 का आया है 2400 CR। आपके लिए एकदम बिल्कुल ये मैं एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ। देखो पहले बाहर का लुक है, अभी तो क्या है, मेरी फ़्लाइट को तो बहुत टाइम है, तो मैंने सोचा आज आपका ब्लॉग फुर्सत में दिखाएंगे। देखो अकासा एयर का आप देख सकते हो, ऑल फ्लाइट एंट्री वगैरह सब कुछ। बट प्लीज़ जब भी आप बुकिंग कर रहे हैं, आप एक बार ऑनलाइन वगैरह सब चेक कीजिएगा। फिलहाल अकासा से है, देखो वहाँ पर मैं विस्टारा का काउंटर भी देख सकता हूँ। तो धीरे धीरे मे बी विस्टारा, इंडिगो, सब कुछ शिफ्ट किया जाएगा, बट टाइम लगेगा। T2 का जितना भी पैसेंजर लोड है, जितना भी सब कुछ है, सब धीरे धीरे T3 पे शिफ्ट करेंगे, और फिर फेज़ 2 का काम भी शुरू होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मज़ा आ गया। देखो एकदम चमचमाती रोड। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, साफ़ सफाई दोस्तों, साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखिएगा। उम्मीद यही है कि 1 महीने के बाद भी, 3 महीने के बाद भी, सालों बाद भी ऐसी ही कंडीशन जब मैं वापस आऊँगा T3 पे, ऐसी ही देखने को मिलेगी। चलिए, फाइनली एंट्री हो चुकी है लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हैंडल कर सकता है, अब ये मान लीजिए 8 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। और ये जब है, जब फेज़ 1 का काम ख़त्म हुआ है, जब फेज़ 2 का काम हो जाएगा, तो द कैपेसिटी विल बी अराउंड 13 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। और T3 अगर आप देखोगे एट अ स्ट्रेच, ये कितने पैसेंजर हैंडल कर सकता है पीक आवर्स में, 4000 से 5000 पैसेंजर्स। ये तो मानिए महज शुरुआत है। अब देखो मैं अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये आप देख रहे हो चेक इन काउंटर्स। यहाँ पर आप देखिए कितने चेक इन काउंटर्स हैं, मोर देन 50 चेक इन काउंटर्स। आपको डिजी यात्रा की फैसिलिटी मिलेगी, प्लस सेल्फ बैगेज ड्रॉप की भी फैसिलिटी मिलेगी। ये देखो, ये मैं हूँ डोमेस्टिक साइड, इस तरफ देखो आप देख रहे हो वो है इंटरनेशनल साइड। वो तो आप भी समझोगे, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। इमिग्रेशन काउंटर कितने आपको मिलेंगे, मोर देन 60। और आप ये मान लीजिएगा, मतलब अगले 5 या 10 साल का प्रोजेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर प्रोजेक्शन किया जा रहा है 2047 का। और एक टर्मिनल है बेंगलोर का T2, और अब है लखनऊ का टर्मिनल। आप देखोगे दिस इज़ T3। अभी तो खैर चेक इन में बहुत टाइम है, तो यहाँ पर अभी काउंटर पूरे आपको खाली लग रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, फ़िलहाल यहाँ से सिर्फ अकासा की फ़्लाइट शुरू हो रही है। आज जो फ़्लाइट है बेंगलोर की है, अहमदाबाद की है, और आमची मुंबई की है। अभी तो देखिएगा आने वाले टाइम में, ये देखो कितना ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर ये बना रखा है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, कितने लोगों को काम मिला है,
फेज़ वन से लगभग आप मान लीजिए जो स्टेट्स आए हैं 13,000 लोगों को, और फेज़ टू का जब काम होगा तो लगभग 30,000 से 40,000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और आप देखो, फ़िलहाल आपको बता दूँ, पैसेंजर से ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ है। आप देखो पूरा एयरपोर्ट, मैंने आपको बताया ना, पूरा टर्मिनल फ़िलहाल आपको खाली मिलेगा। देखो आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा वहाँ पर, आप देख सकते हो वो रिजर्व्ड लाउंज है। लाउंज भी मेरे को देखना है, एक बार काउंटर ओपन हो जाए, बोर्डिंग पास आ जाए, सिक्योरिटी चेक इन हो जाए, फिर आपको आगे का पूरा दिखाएंगे। देखो फिलहाल यहाँ पर आप लगेज वगैरह सब देख सकते हो, ये देख रहे हो पूरा। बट जो काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ना, एक है नम्मा बेंगलुरु का T2 और अब है लखनऊ का T3। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा सिक्योरिटी का हो गया, ये ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। और यूपी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए देखो यहाँ पर इन्होंने वाराणसी में जितने घाट्स हैं वो घाट का पूरा दिखाया है। और ये देखिए यहाँ पर जब आपकी एंट्री होती है ना, ये देखो यहाँ पर जब आपकी एंट्री होती है, कड़क एसी और ऐसा कुछ सेलिब्रिटी वाली वाइब आती है। देखिए कितना ज़बरदस्त इंफ्रा, मतलब दिल खुश हो गया। बिकॉज आने वाले टाइम में इंडिया में जो एयर ट्रैफिक होने वाला है ना, उसकी हम जितनी बात करें उतनी कम। हर जगह आपको CCTV कैमरा मिलेंगे। आई गेस टोटल 8 गेट्स हैं। मेरे को सबसे पहले लाउंज देखना है। ये देखो प्लांटेशन वगैरह आप देखो, ग्रीनरी वगैरह, सब शॉप्स वगैरह। अभी तो देखो सिर्फ शुरुआत है, आज एयरपोर्ट का दूसरा दिन है। कल जितने पैसेंजर डिपार्ट किए, जितने पैसेंजर्स ने अराइवल हुआ, उन सबको यहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ से गुडीज़ दिए गए थे। मेरा प्लान था कल का 31 मार्च आने का, बट वो हो नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, एकदम आपके लिए एक्सक्लूसिव, दिस इज़ T3। और देखो अभी कुछ स्टोर आपको बंद मिलेंगे, अभी कुछ देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास यहाँ पर सोफ़ा सेटिंग का हो गया, आप देख लीजिए अलग अलग ब्रांड्स आप देख सकते हो, प्लांटेशन वगैरह देख सकते हो। आई गेस गेट इस साइड ही होना चाहिए। अभी तो खैर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको बताया ना दूसरा दिन है, बट सच में दिल खुश हो गया। सेम वाइब अगर आप देखोगे ना, ऐसा एयरपोर्ट आपको मिलेगा गोवा में, मोपा एयरपोर्ट। भाई मतलब एयरपोर्ट में इतना ज़बरदस्त इंफ्रा देखने को मिल रहा है ना, दिल खुश हो जाता है। एक ट्रैवल व्लॉगर से पूछिए। और सबसे अच्छी बात है उत्तर प्रदेश में टूरिज़्म प्रमोट होगा, सबसे बड़ी बात है टूरिज़्म। देखो फर्स्ट क्लास ब्रांड्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। कोशिश ये है मेरे को सबसे पहले लाउंज देखना, दिल खुश हो गया। देखो हैमलीज वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, अलग अलग स्टोर आप देख लीजिएगा। ये देखो पूरा आपको एक बार रुक के दिखा दूँ। चलिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क, लखनऊ का एयरपोर्ट कोड क्या है, छोटा सा मतलब आसान सा होमवर्क है, जवाब ज़रा कमेंट करके बताइएगा। देखो हैमलीज वगैरह पूरा आप देख लीजिएगा। अभी सब तैयारियां यहां पर सब तैयारियां चलते हैं, बिकॉज़ अभी क्या दिन में सिर्फ 3 या 4 ही फ्लाइट हैं। जब ट्रैफिक बढ़ेगा तब यहां पर आपको पूरी हलचल देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मैंने पूरा आपको दिखाया, सब अलग अलग गेट्स आपको दिखेंगे। ये गेट तब कनेक्ट होंगे जब फेज़ टू का काम फिनिश हो जाएगा। देखो गेट 14, गेट 15 आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट क्लास ये सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। देखो वॉशरूम भी, वॉशरूम तो खैर मैं आपको क्या दिखाऊँ। देखो यहाँ टॉयलेट्स आप देख लीजिएगा, सब कुछ फर्स्ट क्लास। देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू एयरपोर्ट है यार, इसके बारे में क्या ही तारीफ़ करें, कितनी बात करें। आप देख लीजिए रनवे वगैरह पूरा आप वहाँ देख सकते हो। अभी आपको एक भी, चलो पास से दिखा दूँ, अभी आपको यहाँ पर एक भी एयरक्राफ्ट नज़र नहीं आएगा। देखो यहाँ पर एक कोई खड़ा है, बट आप सिर्फ अकाशा के ही देख सकते हो। देखो वो इंडिगो जा रहा है, शायद T1 या T2 से जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई एयरक्राफ्ट दिखेगा ना, ये जो आप देख रहे हो एरो ब्रिज, ये सिर्फ आपको यहाँ पर अकाशा का ही दिखेगा। अभी वो मुंबई से चला है, वो लैंड करेगा, वो वापस जाएगा आमची मुंबई, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए सब लाउंज, आपको बताया ना शायद लाउंज आगे की तरफ है। मेन मेरे को देखना है इसका एयरपोर्ट का T3 का लाउंज कैसा है। ये देखो पूरा, अब आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो, दिस इज़ द टेम्प्ररी लाउंज। ये हो गया AJ1881। अनफॉर्चुनेटली देखिए बिल्कुल अभी एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, लाउंज टेम्प्ररी है, तो फिलहाल यहाँ पर कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। बट उम्मीद है अगले 1-2 दिन में क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। कॉस्टिंग आपको बता दूँ, दिस इज़ अराउंड 1200 पर पर्सन, इनकेस अगर आपके पास राइट क्रेडिट कार्ड नहीं है। ये सेटिंग वगैरह यहाँ पर आप फर्स्ट क्लास देख सकते हो। वहाँ पर फूड आपको मिलेगा, वेज नॉन वेज जो भी आप लेना चाहें। अगर अगेन आपको बता दूँ, दिस इज़ टेम्प्ररी, परमानेंट जो लाउंज है वो आगे की तरफ बन रहा है, बता रहे हैं उसको शायद अभी 1 महीना और जाएगा। तो जब भी आप T3 पर आ रहे हो लखनऊ के, डिपेंडिंग आप कब आ रहे हो, ये वाला व्लॉग आप कब देख रहे हो, तो चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, 4-5 क्रेडिट कार्ड मैं लेकर आया था अपने,
बट खैर कोई बात नहीं यार। देखो ये बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, बट आप सबसे अच्छी बात है आप ये डेकोर देखिए, तो पूरा आप देख रहे हो यहाँ पर स्टाफ वगैरह आप देख लीजिए, सैंडविच वगैरह आप देख सकते हो, कैंस वगैरह सब कुछ हो गया। थोड़ा वाइड एंगल में आपको और दिखा दूँ, देखो गेट नंबर 14-15 यहाँ पर हो गए, और आप पूरा आपको ज़रा ये लाउंज और दिखा दूँ टेम्प्ररी। फिर से आपको बता दूँ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड कैरी कीजिए और लखनऊ T3 इसको एंजॉय कीजिए। देखो सबसे अच्छी बात है ये टूरिज्म जो ये प्रमोट हो रहा है ना, मतलब ये देख के दिल खुश हो जाता है। मैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे फर्स्ट क्लास वॉक करता जा रहा हूँ जितना भी आपको दिखा पाऊँ। देखो वापस यहाँ पर हम आए हैं, ये भी एक क्विजीन का है, मैं आपको दिखा दूँ। देखो फिलहाल ये भी ओपन नहीं है, दिस इज दस्तरखान आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट क्लास। अगर आप सबवे के फ़ैन हैं आप सबवे देख सकते हो, ये भी यहाँ पर पूरा सेटिंग एरिया हो गया। ठीक है इस तरफ और आगे चलेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा देखिए T3 यहाँ पर, ये मानो मेरा टूर चल रहा है T3 का, जो शायद मेरी फ़्लाइट है कासा की, मे बी 16 से है शायद, लेट्स सी। अभी तो बहुत टाइम है फ़्लाइट को, फ़्लाइट है कुछ आई गेस 5:30 की। ये देखो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो रनवे वगैरह, जरा मैं आपको और दिखा दूँ यहाँ से, जितना भी विजिबल होगा आप प्लीज़ देख लीजिएगा। बट ये ज़रूर कह रहा हूँ मेहनत वसूल हो गई, मतलब मैं जो सोच के आया था मेहनत वसूल हो गई। आप पूछेंगे मत मैं कहाँ से आया, कैसे मैं आया हूँ T3, अब वापस मैं चला यहाँ से अपने घर आमची मुंबई। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग, आपके लिए एक बस एक छोटा सा एक्सक्लूसिव लखनऊ T3 का मेरे को आपको पूरा इंटीरियर टूर देना था। ठीक है मैं फ़्लाइट लेके जा रहा हूँ मुंबई, और आपके सामने कोशिश यही है कि बैक टू बैक व्लॉग्स आते रहें। फ़्लाइट व्लॉग तो देखिए खैर आपको क्या ही दिखाएंगे, बट यहाँ विंडो पे खड़े होके आप ये नज़ारे देखिए, कह रहा हूँ ना बिल्कुल भाई ये एयरपोर्ट की जो लाइफ है ना वो बिल्कुल अलग है। बट उम्मीद यही थी कि लाउंज एक्सेस करने को मिलेगा, बट खैर कोई बात नहीं। देखो अभी सिर्फ महज शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा टाइम चीज़ों को एडजस्ट होने में लगेगा, बट जब भी आप T3 आ रहे हो, अगर स्पेशली अकासा से आ रहे हो, ध्यान रखिएगा अकासा अगर आप लखनऊ आ रहे हो तो लैंडिंग भी आपकी T3 पर ही होगी। ठीक है मिलेंगे आपसे बहुत जल्द विथ वन मोर एक्सक्लूसिव एंड एक्साइटिंग व्लॉग, शेयर ज़रूर कीजिएगा जितना हो सके, स्पेशली जो लखनऊ रहते हैं या जो लखनऊ घूमने आ रहे हैं। ठीक है मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। वॉशरूम बहुत सारे हैं, बट मैं यही दुआ उम्मीद कर रहा था कि वॉशरूम थोड़े से बड़े होंगे, वॉशरूम थोड़े बड़े हो सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, ठीक है मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, टाटा टेक केयर।